नौडू लेक में पूरी तरह से मस्ती करते हो। ओए होए, ज्यादा डीप नहीं जाना बेटा। अरे भाई मैं नहीं, अरे नहीं आगे मत जाना तू। पानी की बोतल अपने साथ लेकर आई हूँ और मैं पानी पी सकती हूँ क्योंकि पानी है तो इंसान है। चैनल नॉडी द बड़ी। आज बहुत एक्साइटेड दिन है क्योंकि आज हम जा रहे हैं फैमिली वेकेशन पे और वो पॉसिबल हो पाया है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे के एग्जाम के बाद और मेरे डॉगी की ऐसी जगह मुझे मिली है जहाँ पे मुझे लगता है हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और मेरे बच्चे के लिए घूमने की जगह भी है। और ये बड़ी मेहनत के बाद हमें मिला है एक जगह, एक पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट जो कि है बोगनविला रिजॉर्ट जो कि है मुल्शी। इट्स अराउंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन कुछ पॉइंट्स का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो वो पॉइंट्स है, पहला नंबर का पॉइंट तो ये है कि आपको अपने पेट को कम से कम 6 मंथ्स के बाद ही कहीं वेकेशन पे लेके जाना है, क्योंकि अगर वेकेशन पे अगर आपको जाना है तो वो बेसिक कमांड तो आपके एटलीस्ट फॉलो करे ही करे। और मुझे लगता है कि डॉगी को अगर आप कहीं पे भी लेके जाते हो तो सबसे उसके इम्पोर्टेंट होता है कि उसको जगह मिले खेलने के लिए, कि वो परेशान ना, क्योंकि अगर आपका डॉगी खुश है तो आप खुश हो। बिल्कुल। और एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी भी लंबी ट्रिप पे मत लेके जाओ 10 से 10, 11, 12 घंटे की, और वो भी अगर आप कार में जा रहे हो तो पेट के लिए इतना मुश्किल होता है कि बस मैं बता नहीं सकता। तो हमने पहले से ही अपने पेट को आदत डाली 15 मिनट 10 मिनट के लोकल मार्केट में ले जाए, और उसके बाद हमने ज्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं देखा, हमने देखा सिर्फ 2.5 घंटे का डिस्टेंस जिसके अंदर पेट भी अनकंफर्टेबल ना हो और हम भी अनकंफर्टेबल ना हो। बिल्कुल। और आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि बाउल ले गए, पानी की बॉटल या पेडिग्री अपने पास में रख ली, पनीर रख लिया या उसको जो भी पसंद है जैसे मटर रख लिए, जो ताकि रास्ते में 2 घंटे का सफर आपका इजिली जा पाए और आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ऑब्जर्व करना है अपने डॉगी को वो 2 घंटे के अंदर कि वो कैसी आवाज निकाल रहा है। हो सकता है उसको टॉयलेट आ रहा है, हो सकता है उसको पॉटी आ रही है। तो गाइस हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, तो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज हम बोगनविला रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं जो कि है मुल्शी में नियर पुणे, और हमने यहाँ पे डिलक्स कॉटेज बुक किया है जो कि अटैच्ड स्विमिंग पूल के साथ आता है। देखिए नॉडी कितना खुश है, पूरा एक्साइटेड है, थक गया है लेकिन एक्साइटेड पूरा है। और ये है हमारा किंग साइज बेड, प्योर ट्रेडिशनल कॉटेज स्टाइल, बिल्कुल रॉयल लुक के साथ। और ये देखिए, ये है हमारा अटैच्ड स्विमिंग पूल जिसके अंदर हम बहुत जल्दी ही डुबकी लगाने वाले हैं। पानी बिल्कुल क्लियर, नॉडी पूरा एक्साइटेड, फैमिली पूरी रेडी, और हम डुबकी लगाने वाले हैं। एंड दिस इज अटैच्ड टेलीविजन, दिस इज किड्स बेड, ब्यूटीफुल पेंटिंग एट द बैक, एंड दिस इज आउटसाइड व्यू, लश ग्रीन आउटसाइड प्राइवेट स्पेस। And here comes Naughty, who is excited to go inside the pool. So we are in a Bougainvillea resort and we are enjoying a lot. नॉडी पूल में नहा के आया है। नॉडी मजा आया पूल में? अरे क्या बात है, नॉडी ने पूरा दिन एंजॉय करा, जाके सो गया आराम से, लपट गया ये तो जमीन पे। फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट में आए हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम गेम्स खेलने के लिए जाएंगे। देखो इस गंदे बच्चे को, इसको मैं जंगल से पकड़ के लेके आ रहा हूँ, ये अंदर जंगल पे भाग गया था। क्या हो रहा है तेरे को,
कहाँ जा रहा है तू बार बार, चल अब घर चल अंदर। इसने नाक में दम कर दिया है। हम लेक की तरफ जा रहे हैं। आई शो यू कैसा लेक का व्यू है। एंड इट्स बीन लाइक अ फैबुलस स्टे ऑफ टू डेज। नाउ सी नॉडी को देखिए कितना एक्साइटेड है और वो जाने के लिए पूरी तरह से। ये क्या हो रहा है? गाइस देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये है मुलशी लेक। कोई भी यहाँ पे नहीं है हमारी फैमिली के अलावा और ये बिल्कुल एक एकदम एकांत जगह है जहाँ पे आप आके रिलैक्स हो सकते हैं। देखिए हमारे पिल्लू को जो कि पानी में आते का घुस गया है। अरे पानी में क्रोकोडाइल है। पानी में क्रोकोडाइल नहीं है इसमें। ये देखिए कितना ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो अंदर घुस गया पूरी तरह से। मुँह काला कर लिया इसने अपना कीचड़ में। एंड ऑफ आर जर्नी हेयर इन बोगनविला रिजॉर्ट दैट्स इन मुलशी। इट्स बीन अ वंडरफुल स्टे। और पीछे आप देख रही है मैम को, वो है यहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड उन्होंने हमारी बहुत अच्छी देखभाल की है। कि हम भी कैसे कैफे में भी ये आलू के 3 बार पराठे। द फूड इज रियली वेरी टेस्टी। और यहाँ पे सर्व करा इन्होंने बहुत अच्छे तरह से। हमारे जेस्टर वगैरह इनका बहुत बहुत अच्छा लगा हमारे को ये स्टे। और ये सर हमारे साथ में हैं जिन्होंने हमारी पूरी देखभाल करी है 2 दिन। और इन्होंने हमारे को किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होने दी। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब मॉनसून सीजन आए तो आप भी लोग यहाँ पे विजिट करें और ये आपका भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे। This is the best place. हाँ बहुत अच्छा लगा हमारे को। सो थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल नॉडी द बडी। बाय बाय।